जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, अब इसको कोई वापस नहीं ला सकता। ये लोग धारा 370 वापस लाकर पथरावाद अलगाववाद में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब आफत है। ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे, लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेके करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहां बॉम्ब शेलिंग से लेके आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावाद की घटनाओं से यहां के लोग जान गंवा रहे थे। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो विधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के लोगों से, पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है, अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता है। क्यों वापस लाना चाहते हैं एनसी, कांग्रेस और कौन, क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि ये वापस पथरावाद, अलगाववाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाएं, आतंकवाद उपद्रव फैलाने वाले छूट जाएं, पथरावबाजी करने वाले छूट जाएं। अरे ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने की उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया था। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चले गई। उसके जाने के बाद चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है, IIT, IIM, दो एम्स, मेडिकल कॉलेजेस 7-15, नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का, 1,78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में है। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहां पर पिछले वर्ष आए, आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं, पर इस साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथरावाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, ना एनसी के ना कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको अब संवारेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुंमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। 70% 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग है। और माननीय गृहमंत्री जी ने कहा 2026 तक तो हम देशभर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल
जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है।